आइए, स्वागत है आपका। मैं हूँ, चलिए छोड़िए, कुछ काम की बात करते हैं। आपका YouTube चैनल पुराना है नया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपने अपनी वीडियो बनानी है और आपको एडिट करनी है तो उसके लिए आप फिल्मोरा में आइए। उससे अच्छा सॉफ्टवेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब आप फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे, अगर आपके पास उसका सेटअप नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाई है, वहां से आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर वाटर मार्क की भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम अपना सॉफ्टवेयर रन करते हैं, जब आप सॉफ्टवेयर रन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पर वो आपसे पूछता है कि आप किस रेशो में अपनी वीडियो बनाना चाह रहे हैं। वंडर शेयर का 16:9 होता है। यहाँ पे इंस्टाग्राम का रेशो भी दिया गया है। आपका सिनेमा का है, स्टैंडर्ड का है, पोर्ट्रेट का है। आप यहाँ से सिंपली 16:9 सेलेक्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद जो आपके सामने स्क्रीन खुलेगी, पहले नंबर पर मिलेगा आपको मीडिया। मीडिया में भी आपको सैंपल कलर, सैंपल वीडियो मिल जाएंगी। उसके बाद आपको मिलेगा ऑडियो। ऑडियो में आपको सैंपल ऑडियो मिल जाएंगे। उसके बाद आपको टाइटल्स मिलेगा, इसका भी यूज हम करेंगे। उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन मिलेंगी, इफेक्ट मिलेंगे, एलिमेंट मिलेगा। और लास्ट में है स्प्लिट स्क्रीन। स्प्लिट स्क्रीन में आप एक से ज्यादा वीडियो अगर रन करना चाह रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उसके बाद आपको साइड में जो विंडो मिलेगी वो है आपकी प्लेबैक विंडो। इसी के अंदर आपकी वीडियो रन होगी, प्ले होगी, जिसको आप यहाँ पर देख पाएंगे और उसको एडिट कर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा, जो ये स्टॉप का ऑप्शन है, ये प्ले का है, ये आपका फॉरवर्ड का है, ये बैकवर्ड का है। इसके बराबर में आप थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम कंट्रोल दिया गया है। जब आपकी वीडियो प्ले हो रही होगी तो आप उसका ऑडियो कम या ज्यादा आवाज में, जिस भी आवाज में सुनना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से उस ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी प्लेबैक विंडो पर आपकी स्क्रीन होगी, अगर आप उसका स्नैपशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से उसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको स्नैपशॉट का ये ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू क्वालिटी एंड डिस्प्ले सेटिंग दी गई है। यहाँ पर आप अपना जो आपका प्रोजेक्ट बन रहा है उसका एक्सेप्ट रेशो यहाँ से आके भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने बाहर से 16:9 सेलेक्ट किया था वंडर शेयर का, आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं। ये सेटिंग ऐसी हैं जिनको अभी आपको स्टार्टिंग में नहीं छेड़ना है, कि नॉलेज में होना चाहिए ये सेटिंग किस किस काम के लिए है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आप, ये आपका बास कंट्रोलर है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा जब आपका वीडियो ऑडियो प्ले हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो है, ये आपकी टाइम लाइन जो है उसको प्लस माइनस घटाने बढ़ाने के लिए, जूम करने के लिए है। आपने अगर इसको प्लस माइनस कर दिया है, सेटिंग बिगड़ गई है, इसको आप वापस से जूम फिट करना चाह रहे हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वापस से सेट हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये ऑडियो मिक्सर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आपकी जो वीडियो प्ले हो रही है ये उसकी ऑडियो का मिक्सर होगा। यहाँ पे अगर कोई ऑडियो है तो ये ऑडियो का आ रहा होगा, और ये ओवरऑल पूरी वीडियो का आपका एक मास्टर होगा। इसको भी अभी आपको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम थोड़ा सा इसके साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको जो बटन मिलता है, ये आपको एडिट का बटन मिलता है। एडिट के बाद आपको यहाँ पे स्प्लिट का बटन मिलता है, ये डिलीट का बटन मिलता है, ये आपको रीडू का बटन मिलता है, और एक अंडू का बटन मिलता है। ये तो हो गया आपका इस स्क्रीन का पूरा आउटलुक। प्रोजेक्ट बनाने के लिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी मीडिया वाली फाइल को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए आप फाइल में जाइए, फाइल में जाके आप यहाँ पर इंपोर्ट में जाइए, इंपोर्ट मीडिया में। इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस खुल जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी कोई भी फाइल को इंपोर्ट करके ला सकते हैं, इस तरीके से भी इन फाइलों को अपलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका, अगर आपको ये फाइल यहाँ नहीं चाहिए, इसमें से कोई एक नहीं चाहिए, सारी नहीं चाहिए, सबको सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाइए या राइट क्लिक करके डिलीट बटन दबा दीजिए, ये सब डिलीट हो जाएंगी। आप इसको यस कर दीजिए, डिलीट हो गई है। अब इसका दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट, ये आपका फोल्डर है, यहाँ से आपको फाइल लेके जानी है, आप सिंपली इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ये फाइलें आपकी सारी के सारी आपके सॉफ्टवेयर में आ जाएंगी। अब हम यहाँ पे अपनी एक वीडियो को टाइमलाइन पर ऐड कर लेते हैं। देखिए, हमने ये एक वीडियो ली है, ये हमने यहाँ से आपको पकड़ना है और इसको यहाँ पे लाके आपको छोड़ देना है। ये वीडियो आपकी टाइमलाइन पर आ गई है। अब हम इस वीडियो के साथ क्या क्या कर सकते हैं, कैसे एडिटिंग कर सकते हैं, इसके अंदर अब हम देख लेते हैं। ये वीडियो हमारी टाइमलाइन पर आ गई है। अगर हम इसको टाइमलाइन को हमें जूम करना है या स्मॉल करना है तो हम यहाँ से इसको घटा बढ़ा सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन, ये आपकी वीडियो छोटी बड़ी नहीं हो रही है, लेकिन आपको ये एडिटिंग करने के लिए स्पेस दे देता है। जितना बड़ा हो जाएगा ये आप इसको एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए इस वीडियो की बात करते हैं, इस वीडियो में हमको इसका जो ऑडियो है, हम इसका ऑडियो बंद कर देते हैं। बंद करने के लिए हम इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हम इसके म्यूट पे क्लिक कर देंगे तो ऑडियो बंद हो जाएगी। अब हम इस वीडियो को प्ले करेंगे तो वीडियो प्ले हो जाएगी। मान लीजिए हमको ये इसका इंट्रो का जो सेक्शन है ये इस वीडियो से हमें हटाना है, तो वीडियो का इंट्रो का सेक्शन हमें हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां पे भी हमें इसको स्प्लिट करना है, हमें वहां पर अपनी जो ये स्प्लिट बार है इसको रखना है और इस सीजर वाले बटन पर यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये स्प्लिट हो जाएगी। मैं आपको दोनों तीनों सारे ऑप्शन बता दूंगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये वीडियो अलग हो गई है, इधर की वीडियो अलग हो गई है, इधर की वीडियो अलग। आपको वापस से वैसे ही करना, अंडू पे क्लिक कीजिए, वापस हो जाएगी। एक अंडू और करें तो जो ये हमारी स्प्लिट हो रखी है विंडो, ये वापस से जुड़ जाएगी। ये देखिए जुड़ गई है। इसका दूसरा तरीका क्या है, आपको जहां से स्प्लिट करना है आप इस पे रखिए और इसी पे एक बार आप सीजर पे यहीं पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपकी स्प्लिट हो जाएगी। आपको अभी इतना हिस्सा जो है अपनी वीडियो में नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं।
हैं, और अगर आपको आप राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से डिलीट नहीं करना है, आप इस पर क्लिक कीजिए और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएंगे तो भी ये विंडो आपकी डिलीट हो जाएगी। आपसे गलती से कोई हिस्सा डिलीट हो गया, आपको वापस चाहिए तो आप उसको अंडू दबा के फिर वापस ला सकते। मान लीजिए ये हिस्सा आपको इस वीडियो के एंड में चाहिए स्टार्टिंग की जगह, तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से राइट क्लिक करके इसको कट कर लीजिए। कट करके आप अपनी विंडो के एंड में जाना चाहते हैं तो ये आप यहाँ से सीधा विंडो के एंड में चले जाइए। ये विंडो के एंड में आ गए हैं, आपको यहाँ पे वो हिस्सा चाहिए तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट कर दीजिए, वो हिस्सा आपके एंड में आ जाएगा। एंड की जगह अगर आप इसको बीच में भी कहीं रखना चाह रहे हैं तो आप इसको बीच में भी रख सकते हैं। हम वापस से इस वीडियो को लेके आते हैं और हमें अब क्या करना था, ये जो हिस्सा है हमारा, हमने क्या करना है, इसको हमें यहाँ पे प्ले नहीं करना है, हमारी एक पिक्चर इमेज के बाद प्ले करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें ये वीडियो इसके बाद चाहिए तो हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे लाके सिंपली इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या होगा, ये वीडियो हमारी यहाँ पे बीच में एडजस्ट हो जाएगी, पहले का हिस्सा पहले चला जाएगा, बाद का हिस्सा बाद में चला जाएगा। इस तरीके से आप अपनी वीडियो को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने का एक तरीका और है, मान लीजिए अब आपको ये वीडियो यहाँ से स्प्लिट करनी है, आप इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करके आपको जहां तक भी स्प्लिट करना है आप यहाँ से इसको पकड़िए और इसको स्क्रीन को खींचते चले जाइए। जहां तक भी आपको ये स्प्लिट करनी होगी आप वहां पे ले जाकर छोड़ देंगे, इतनी वीडियो यहाँ से ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। मान लीजिए आप कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ से वीडियो को काटा आपने और यहाँ से वीडियो को काटा और काटने के बाद ये आपने डिलीट कर दिया ये, तो अगर ये गैप रह गया तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पकड़ना है और ले जाके इस पे छोड़ देना है। जब आप अपनी वीडियो टाइमलाइन पे ऐड करते हैं और उसको प्ले करते हैं तो वो नॉर्मली प्ले हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप उसको टाइमलाइन पे लेके आते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपके इनेबल हो जाते हैं। आप इस वीडियो को मान लीजिए स्लो मोशन में चलाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास स्लो का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी वीडियो स्लो में प्ले होने लग जाएगी। आप इस वीडियो को फास्ट में भी प्ले कर सकते हैं, इसको नॉर्मल स्पीड पे लाने के लिए आप नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिए, और इस वीडियो को आप रिवर्स में भी प्ले कर सकते हैं। आप रिवर्स पे क्लिक करेंगे तो अब ये आपकी वीडियो उल्टी प्ले होने शुरू हो जाएगी, ये देखिए। और इसी के साथ एक ऑप्शन और है यहाँ पे, हम पहले इसको नॉर्मल कर लेते हैं। अगर आपको रिवर्स से हटानी है तो वापस इसी में जाइएगा, रिवर्स पे क्लिक कर दीजिएगा, नॉर्मल हो जाएगी। और यहाँ पे आप इस वीडियो में से क्रॉप भी कर सकते हैं कि आपको कितनी वीडियो अपनी स्क्रीन पे प्ले करनी है, आप कस्टम करके प्ले करेंगे तो आपकी इतनी वीडियो प्ले हो जाएगी, बाकी स्क्रीन से हट जाएगा। देख लेते हैं, ओके करेंगे आप, इसको प्ले कीजिए आप, ये देखिए जूम हो गई ये वीडियो। अब हमें ये जूम नहीं करनी है, हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, प्ले भी हो और जूम भी हो, तो हम पेन एंड जूम में, और अब हम यहाँ पे हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम जाएंगे किस साइड में ये जूम हो, तो हम वहां पे ले जाके इसका कर्सर का निशान, मार्क का निशान ओके कर देंगे। अब आप इसको ओके कीजिए, अब आप इसको प्ले कीजिए, देखिए प्ले होने के साथ साथ ये उसी तरफ जूम होने लग जाएगी, ये देखिए आप। अब ये देखिए आप, हमारी ये वीडियो प्ले हो रही है, हम चाहते हैं कि इसके साथ हमारा कोई और वीडियो भी इसके साथ साथ प्ले हो जाए, तो हम क्या करते हैं अपनी दूसरी वीडियो को इसके साथ लाके यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब जब हम अपनी अब इस वाली वीडियो को भी हम फिलहाल म्यूट कर लेते हैं, या फिर म्यूट करने का दो तरीके हैं, मैंने आपको बताया, राइट क्लिक कीजिए यहाँ से म्यूट कर दीजिए, या अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से भी इसको ऑडियो को पकड़ के नीचे से डाउन कर सकते हैं, तो आपका ऑडियो म्यूट हो जाएगा। हम इसको प्ले करते हैं, अब ये देखिए जब हम इस वीडियो को यहाँ से प्ले करेंगे तो ये ऐसे वीडियो बीच में आ जाती है। अब हम चाहते हैं कि ये वीडियो हमारी एक कॉर्नर में चलती रहे और नीचे वाली वीडियो भी हमारी हमको दिखती रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो आपकी ऊपर वाली वीडियो है सर, आपको डबल क्लिक करना है, तो आप देखेंगे आपकी जो आपकी ये विंडो है प्लेबैक वाली, इस पर आपको यहाँ पे ये सिलेक्शन मिल जाएगा। आप इसको उनको जहाँ पे भी जितने भी साइज में आप इसको सेट करना चाहें उतने साइज में आप इसको सेट करके राइट में जिस भी साइड में आप इसको रखना चाहें रख सकते हैं। अब देखिए हम इस वीडियो को चलाएंगे तो हमारी नीचे वाली वीडियो भी चलती रहेगी और ऊपर वाली वीडियो भी हमारी कॉर्नर में कहीं प्ले होनी शुरू हो जाएगी। आप इस तरीके से वीडियो प्ले कर सकते हैं, ये देखिए। अगर आपको ये वीडियो इतनी ही चाहिए तो आप इसको इतना ही रखिए, अगर आपको ये वीडियो जहां तक जितनी प्ले करानी है, मान लीजिए हमको यहीं तक प्ले करानी है, तो आपको इस पे आप ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए, ये सिलेक्ट हो जाएगी और आपको स्प्लिट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके आगे की वीडियो अलग हो जाएगी, ये देखिए इधर की वीडियो अलग हो जाएगी। आपको ये रखनी है तो रखिए, नहीं रखनी है तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको इसका भी कुछ भाग है, कुछ हिस्सा है, वो आपको प्ले कराना है, तो आप इसको भी स्प्लिट कीजिए, आखिरी वाले पे क्लिक कीजिए, वीडियो को डिलीट कर दीजिए। इस वीडियो को आपको कहीं और प्ले कराना है तो आप इसको ले जाके वहां पे भी रख सकते हैं। अब देखिए आप इसको यहाँ से प्ले करेंगे तो ये इस तरीके से प्ले हो जाएगी। अब हमें कभी कभी क्या करना पड़ता है, इसके साथ हमें कोई म्यूजिक भी ऐड करना होता है। आप चाहते हैं आपकी वीडियो के प्लेबैक में कोई म्यूजिक चलता रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके पास एक म्यूजिक की फाइल होगी, उसको पकड़ना है और सिंपली आपको अपनी टाइमलाइन पे लाके उसको छोड़ देना है। जब आप टाइमलाइन पे छोड़ देंगे तो ये आपका ऑडियो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए ये ऑडियो की बार है, ये ऑडियो का साउंड लेवल है। जब ये इस तरीके से प्ले होगा तो या तो आपकी ऑडियो सुनाई देगी या फिर इसकी ऑडियो सुनाई देगी, ये आपको डिस्टर्ब करेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस ऑडियो को सिंपली पकड़ना है और थोड़ा सा इसको डाउन कर देना है। जब आप इसको प्ले करेंगे तो ये इसका इस तरीके से साउंड आना शुरू हो जाएगा। आप इसको जितना कम करना चाहें कम कर सकते हैं, देखिए हम इसको और कम करेंगे तो ये कम होता चला जाएगा। जितना कम करना चाहें आप कम कर सकते हैं इसका वॉल्यूम, और ज्यादा करना चाहें तो आप इसको देखिए बढ़ा दीजिए। हम इसको कम कर देते हैं क्योंकि ये हमें डिस्टर्ब करेगा, तो हम कम करके छोड़ देंगे तो ये हमारा ऑडियो बैकग्राउंड में इसी तरीके से चलता रहेगा, वीडियो आपकी चलती रहेगी। आप इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम, ये मैंने आपको ऑडियो का भी बता दिया, आपको ऑडियो कैसे यूज करनी है। अब हमें टाइटल का इस्तेमाल करना है। मान लीजिए हम वीडियो की स्टार्टिंग में है तो हम चाहते हैं कि हमारा कोई टाइटल आ जाए स्क्रीन पर, तो टाइटल आएगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइटल में जाना है और टाइटल में जाके आपको कोई भी एक टाइटल सिलेक्ट कर लेना है जो आपको अच्छा लगता हो। यहाँ पे आप देख लीजिए
लीजिए यहाँ से हम देखते हैं हमें कौन सा टाइटल चाहिए होगा। मान लीजिए हम ये वाला टाइटल ले लेते हैं, हम इस टाइटल को यहाँ पे रख देते हैं। अब देखिए हम विंडो प्ले करेंगे तो ये इस तरीके से प्ले होगा, टाइटल ये आ रहा है नीचे। अब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे कि आप यहाँ पे क्या टाइप करना चाह रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख लेता हूँ, ये देखिए ये इस तरीके से प्ले होगा। यहाँ पे आपको इसको बोल्ड करने का, यहाँ पे आपके पास इसको बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ से आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे फॉन्ट हैं। फॉन्ट के बाद उसका साइज आप यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं, जो भी आपको साइज करना है। इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं इसका। और यहाँ से भी आप इसमें फॉन्ट अगर चेंज करना चाहें तो आप जो भी सिलेक्ट करेंगे आपके फॉन्ट वहाँ पे चेंज होते रहेंगे स्क्रीन पर। एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो आपके पास एडवांस में भी और ऑप्शंस मिल जाएंगे, देख लीजिए। ये देखिए जब आप एडवांस में क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी वीडियो का आउटलुक आ गया और यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिखा रहा है। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, टेक्स्ट फिल दिखाना है, नहीं दिखाना है, कलर कैसा दिखाना है आपको। यहाँ पे हम रेड कर लेते हैं, देखिए रेड का टेक्सचर आ गया इसमें, हम चाह रहे हैं रेड और येलो आ जाए, देखिए येलो की शेड आ गई। आपके पास यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट होंगे, आपको फॉन्ट कैसा दिखाना है, देखिए फॉन्ट चेंज हो गया है इसका। आप यहाँ पे एडिटिंग करते रहिएगा, ये आपका अपना काम होगा, ये आप बाद में कर सकते हैं। इसमें आप एनिमेशन भी लगा सकते हैं, कोई भी एनिमेशन लगानी है आपको तो ये उसी तरीके, ये देखिए इस तरीके से टेक्स्ट दिखाई देने लग जाएंगे, आपको ऐसे लगाना ऐसे दिखाई देगा। जो भी आपको यहाँ पे एनिमेशन लगानी है आप एनिमेशन लगा सकते हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसको ओके करते हैं और प्ले करके देखते हैं इसका क्या इफेक्ट हुआ है। अभी देखिए हम स्टार्टिंग में जाते हैं, हम इसको ओके करते हैं, ओके करके हम प्ले करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कैस्पोटेक इस तरीके से लिखा आने लग जाएगा टाइटल्स में, टाइटल्स का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं। अब हम दूसरे ऑप्शन में चलते हैं, देखिए इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी अभी ये जो वीडियो है ये कुछ ऐसे प्ले हो रही थी, इसके बाद अब हम क्या करते हैं इस वीडियो पे यहाँ पे इस तरीके का इफेक्ट लगा देते हैं। देखिए अभी इफेक्ट लगाएंगे तो क्या होगा, वीडियो कैसे चलेगी आपको देखिए चेंज आ जाएगा यहाँ पे। ये देखिए इसका आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे वाले पे भी हमें दूसरे तरीके का लगाना है तो हम दूसरे वाली विंडो पे जाके अब आप प्ले करके देखिए, हम शुरू से प्ले करते हैं, देखिए दोनों इफेक्ट कितने सुंदर लगेंगे आपको। ये देखिए ये हमारा सेकंड इफेक्ट आ रहा है, ये देखिए आप इसमें मल्टीपल जो है ट्रांजेक्शन सकते हैं। अब इफेक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे आप अपनी वीडियो पे इफेक्ट भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको ये इफेक्ट चाहिए, आप इस इफेक्ट को लाके यहाँ पे रखेंगे तो देखिए आपकी वीडियो का जो है टेक्सचर पूरा ही चेंज हो गया, आपकी वीडियो यहाँ पे किस कलर की थी और यहाँ पे आपकी वीडियो का कलर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये देखिए आप कोई भी टेक्सचर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिस भी तरीके का आपको लगाना चाहते हैं आप। ये देखिए आपको अपनी वीडियो पे कुछ भी कोई भी इफेक्ट आपको डालना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एलिमेंट में चलते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी एलिमेंट अगर डालना है बीच में, आप दिखाना चाह रहे हैं कोई भी एलिमेंट, वाव वाला एलिमेंट देख लेते हैं। मान लीजिए हमको ये एलिमेंट दिखाना है, ये हमें वाव वाला एलिमेंट दिखाना है, आप इसको प्ले कीजिए, देखिए वाव वाला एलिमेंट ऐसे आ जाएगा। ये ज्यादा बड़ा आ रहा है, आप इसको छोटा करना चाह रहे हैं तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली इस पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास सिलेक्शन आ जाएगा, आप इसको पकड़ के छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं। अब आप प्ले करके देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, इसकी सिचुएशन या जगह चेंज करनी है आप इसको यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, जहाँ आपको रखना है वहाँ रख के प्ले कर दीजिए, वहीं पे आना। यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी तीन वीडियो एक साथ चल जाए तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पे भी हमें चाहिए तीन वीडियो। अब ये देखिए ये इस तरीके से आ गया, जोन सी वीडियो आपको जहाँ प्ले करनी है, मान लीजिए हमें ये वाली वीडियो यहाँ प्ले करनी है, हमने यहाँ छोड़ देनी है, आपको ये वाली वीडियो यहाँ प्ले करनी है आप यहाँ छोड़ दीजिए, आपको ये वाला साउंड यहाँ प्ले करना है तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए हमारे। अब ये देखिए हम यहाँ से इन सारी वीडियो को एक साथ प्ले करते हैं तो देखिए क्या किस तरीके का इफेक्ट आएगा। ये आ गई हमारी स्क्रीन, हमारी ये वीडियो भी चल रही है, ये वीडियो भी चल रही है और इधर हमारी ये इमेज भी हमको दिखाई दे रही है। ये जितना लंबा आप इसको रखना चाहेंगे आप इसको स्क्रैच कर सकते हैं। ये देखिए आप जहाँ तक भी इस वीडियो को प्ले कराना चाहेंगे आप इसको यहाँ से सिंपली पकड़िएगा और पकड़ के आप इसको ड्रैग कर दीजिएगा, इसकी लेंथ उतनी ही बड़ी हो जाएगी कि ये वीडियो कहाँ तक आपको चलानी है। आप एक साथ तीन वीडियो, दो वीडियो, चार वीडियो आप यूज कर सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जब भी कभी आप कोई वीडियो यूज करते हैं तो उस वीडियो के साथ एक ऑडियो होता है और आप चाहते हैं कि उस वीडियो में से केवल आप वीडियो यूज करें, ऑडियो ना करें, या कभी होता है कि आपको ऑडियो की जरूरत है वीडियो की जरूरत नहीं है, तो आप उसमें से कैसे अपना ऑडियो और वीडियो अलग करेंगे? तो आप क्या करेंगे, उस फाइल को आप अपनी टाइमलाइन पे ले लीजिए। ये हमने अपनी वीडियो को टाइमलाइन पे ले लिया है। अब मान लीजिए इसमें ये नीचे वाला ऑडियो होता है, ऊपर वाली वीडियो होती है, तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपको डिटैच ऑडियो को पे क्लिक करना है। डिटैच ऑडियो पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये वीडियो अलग हो जाएगी और इसका ऑडियो आपका अलग चला जाएगा नीचे। अब आपको ऑडियो रखना है तो आप ऑडियो भी रख सकते हैं और आपको वीडियो रखनी है तो आप वीडियो भी रख सकते हैं। ये हर वीडियो के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। अब आपको वीडियो की जरूरत नहीं तो सिंपली आप वीडियो को सिलेक्ट कीजिए, डिलीट मार दीजिए, और अगर आपको ऑडियो की जरूरत नहीं थी तो केवल वीडियो की जरूरत थी तो आप अपना ऑडियो डिलीट कर दीजिए। तो आप अपनी वीडियो अलग बना सकते हैं और ऑडियो की डबिंग अलग कर सकते हैं और फिर दोनों को आप मर्ज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक्सपोर्ट के भी ऑप्शन होंगे, एक्सपोर्ट टू डिवाइस, अपलोड टू यूट्यूब। अगर आप अपलोड टू यूट्यूब पे करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा और आप यहाँ पर यूट्यूब के लिए सीधा सीधा फाइल को आप जो भी सेटिंग आप चाह रहे हैं उस सेटिंग के साथ अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं YouTube पे नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं पहले अपने सिस्टम में इस फाइल को लेना चाह रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको देख के चेक करके अगर इसके अंदर कोई कमी रह गई है मैं वापस से इसको फिल्मोरा के अंदर लूंगा, एडिट करूंगा, एडिट करके उसके अंदर मुझे जो भी कुछ ऐड करना होगा मैं ऐड करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा होगा तो मैं उसको कट करूंगा। इसलिए आप भी अपनी फाइल को सीधा YouTube पर ना डालें, एक्सपोर्ट पे जाएं, और जब आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ऑप्शन आएंगे मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं। यहां पर अपनी वीडियो का नाम रख सकते हैं और ये सेटिंग होगी आपकी जो भी आपने शुरू में सिलेक्ट किया है, और इधर आपके पास फाइल के ऑप्शन होंगे आप किस
मोड में अपनी फाइल को सेव करना चाह रहे हैं। अगर आपको केवल ऑडियो चाहिए इसका तो आप MP3 में कर लीजिए, केवल ऑडियो मिल जाए। ऐसा कई बार करता हूँ, मैं केवल ऑडियो ले लेता हूँ और फिर उस ऑडियो को मैं अपनी किसी और वीडियो में इस्तेमाल कर लेता हूँ। और अगर आप यूट्यूब पे डालना चाह रहे हैं तो आप MP4 सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे फाइल का नाम दीजिए, सेटिंग पे जाइए, यहाँ पे ऑप्शन होंगे आपके बेस्ट, बेटर और गुड। बाय डिफॉल्ट बेटर होगा। अगर आप इसको गुड करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे बिट रेट में चेंजेस आ जाएगा। ये देखिए बिट रेट चेंज हो गया, 8000 से 6000 हो गया। आप बेस्ट करेंगे तो ये 10000 हो गया है। आप इसको बैटर पे ही रहने दीजिए, आपको और कोई चेंज नहीं करना है, आपको सीधा एक्सपोर्ट करना है फाइल को और आपकी फाइल एक्सपोर्ट होने शुरू हो जाएगी। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, सब्सक्राइब नोटिस तो कर ही सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।